ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सरफेस एनर्जी। ये अब इन सरफेस की क्या है, सबके पास एक एनर्जी होती है। ये सरफेस के पास क्या है, हर सरफेस के पास है ना एक एनर्जी होती है, जो कि कितनी होती है, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। जितना भी एरिया होता है ना, जितना भी एरिया होता है उसको आप सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सरफेस एनर्जी आ जाएगी, सरफेस एनर्जी आ जाएगी। और ये जूल मतलब जो एनर्जी का जो डायमेंशन है वही सरफेस एनर्जी का डायमेंशन होता है भाई। फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखो डायमेंशन से चेक कर लो, डायमेंशन से चेक कर लो, जैसे डायमेंशन से चेक कर लो, है ना। ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये क्या होता है, एरिया, मतलब लेंथ इनटू लेंथ। तो फोर्स इनटू लेंथ, वर्क, वर्क के बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पर डायमेंशन से चेक कर रहे हैं। तो देखो ये वर्क और एनर्जी का बराबर होता है, तो इसका एनर्जी ही होती है जूल, ठीक है। अब सरफेस आइडेंटिफाई करने में, सरफेस आइडेंटिफाई करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसमें टू के फैक्टर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखो पहले वो समझ लो, जो साबुन की जो ये सोप बबल की लेयर होती है ना, जैसे मान लो तुमने एक ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, ठीक है, उसमें यहां पर पिस्टन लगा दिया, और यहां पर साबुन की सोप सॉल्यूशन की एक लेयर आ गई, ये लेंथ एल है इसकी और ये मान लो डी है, तो इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू डी, है ना। लेकिन इसमें सोचने की बात है, इसमें दो एरिया होते हैं, दो एरिया, दो सरफेसेस होते हैं, इसमें दो सरफेसेस होते हैं। देखो ये मान लो सोप की लेयर है ना, पूरी इधर एयर, इधर एयर, और ये बीच में सोप की लेयर, अंदर पानी या सोप भरा हुआ है। टू सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस हैं, एक इधर का सरफेस है जो हवा के साथ कांटेक्ट में है, और एक इधर का सरफेस भी तो है भैया जो हवा के साथ कांटेक्ट में है। मतलब जहां जहां भी, जितने एरिया पर भी एयर और वाटर का संगम हो रहा है ना, वो पूरा एरिया होना पड़ता है। मान लो मेरा हाथ रेक्टेंगल है, ये है ना, ये मेरा हाथ रेक्टेंगल है, सपोज करो ये हाथ रेक्टेंगल है। अब ये डी, ये एल, तो ये एल इंटू डी, ये भी एयर और वाटर का संगम हो रहा है यहां पर। देखो उस सरफेस के पास एनर्जी होती है जहां एयर और वाटर जो है ना, जहां एयर और वाटर टच कर रहे होते एक दूसरे को, तो एल इंटू डी इधर से हो गया, और L into D या L into breadth, length into breadth, L into D कुछ भी ले लो, इधर से हो गया, इसलिए 2 आता है इसमें। तो twice factor समझ में आया सबको भाई। एयर और वाटर जितने भी एरिया में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, हवा और पानी, वो पूरा एरिया लेना पड़ता है। तो चलो अब बताओ, तो इसका जो सरफेस एरिया जो हम कंसिडर करेंगे, सरफेस एरिया जो हम कंसिडर करेंगे वो 2 times L इंटू डी होगा, ठीक है। चलो इसमें बताओ तुम, अब दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। ये सपोज करो ये है ड्रॉप, ये वाटर का ड्रॉप है, पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, है ना, R रेडियस, R रेडियस, और एक है बबल, एक है ये बबल। बबल और ड्रॉप में डिफरेंस समझते हो तुम, ये है बबल, बबल के अंदर भी एयर होती है, ये एयर, बाहर भी एयर, और बीच में वाटर मान लो, और यहां पर ड्रॉप में पूरा वाटर और बाहर एयर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एयर और बबल में, सॉरी एयर कह रहे, ड्रॉप और बबल में, इसको ड्रॉप बोलते हैं, इसको बबल, इसको बबल बोलते हैं, बबल जो तुम वो फुग्गा बनाते हो साबुन का, फूक मार के उसके अंदर भी तो हवा भरी होती है, लेकिन जो नल में से पानी की बूंद टपकती है उसमें अंदर पानी होता है, तो इसमें अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें सिर्फ इतने से में पानी भरा हुआ है, इतनी सी लेयर में, अंदर भी एयर है इसकी। तो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया कंसिडर करना है, इसका सरफेस एरिया कंसिडर करना है ड्रॉप का, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो बताओ इसका कितना एरिया होगा, इसका कितना सरफेस हो रहा होगा, कितने एरिया में हवा और पानी कांटेक्ट में है बताओ। तो ये हवा और पानी कितने एरिया में कांटेक्ट में है, 4 pi r square, वेरी गुड,
पाई आर स्क्वायर, शाबाश, समझ में आ रहा है? सिर्फ यही तो है, अंदर तो पानी पानी है भाई, हवा और पानी कितने एरिया में मिल रहे हैं, सिर्फ इसमें, बाहर बाहर वाले में, समझ गए? अब इसमें बताओ जरा, दोनों का अंदर और बाहर का रेडियस आर ही मान लो, तुम बहुत पतली ले रहे, आर ही मान लो, अंदर और बाहर का आर ही मान लो, इसमें कितने एरिया में कॉन्टैक्ट में है? सर अंदर 4 पाई आर स्क्वायर, देखो यहां भी एयर और वाटर कॉन्टैक्ट में है, अंदर 4 पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी बाहर भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो इस केस में जो सरफेस एरिया होगा, इस केस में जो सरफेस एरिया होगा वो 2 × 4πr² होगा, 2 × 4π, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहां गलती मत करना। तो बबल में 2 से मल्टीप्लाई होता है, ड्रॉप में 1 टाइम ही होता है, और ऐसी फिल्म जो बनती है रेक्टेंगुलर, उसमें भी आगे पीछे होता है, ठीक है? तो ये जो सरफेस एरिया होता है इसको ध्यान से लेना होता है, बस यही गलती करते हैं बच्चे। तो S इंटू एल डी इंटू 2 इसमें हो जाएगा वो, ठीक है ना? देखो एनिमेशन से भी देख लो तुम, भले इसमें मैंने एनिमेशन नहीं बताया, ये आगे भी है और पीछे भी है, ठीक है, समझ गए? चलो वो बना दी वहां पर अपन ने, चलिए बहुत बढ़िया।